राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ कृषि उपज मंडी में कई प्रकार की अनियमितता देखने को मिली है। हाल ही में प्याज को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है। प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए प्रदेश स्तर से आदेश जारी हुए थे, जिसमें किसी व्यापारी को 20 क्विंटल से अधिक प्याज रखने की अनुमति नहीं दी गई। प्रशासन ने आदेशों को संज्ञान में लेकर प्याज व्यापारियों की धर पकड़ ली है। मंडी और उनके गोदामों तक की प्याज की चेकिंग की गई, जिसमें किसी भी व्यापारी के स्टॉक रजिस्टर मौके पर नहीं मिले व अधूरे पाए गए और सभी व्यापारियों के दस्तावेजों को मौके पर बुलाकर एसडीएम ने चेक किया। एक तो जो गोडाउन जो लीज पे दिए हुए हैं उनकी जितना साइज है उससे ज्यादा अगर किसी का निर्माण है तो हम एक दल बना रहे हैं जो इसकी जाँच करेगा और निर्माण जो भी ज्यादा है उसको पूरे को तोड़ा जाएगा। कुछ अवैध निर्माण देखने को मिले हैं सर मंडी में? एक गोडाउन की बात आई है कि अवैध है, तो उसमें हम नोटिस दे रहे हैं उसको कि पूरा सामान खाली करें और तुलावटी और हिमाल को भी बोलेंगे वहाँ पे जाके ना तोलेंगे ना कोई लोडिंग अनलोडिंग करेंगे और फिर हम उसका क्या फर्दर यूज़ करना है आगे उसको देखेंगे। सर मंडी में सर आपने निरीक्षण करा अक्टूबर की, सर उसमें रिपोर्ट मिली है जैसे आपने प्याज के स्टॉक चेक कराया, तो सर इतनी बड़ी लापरवाही देखने मिली सर क्या कहना? इसमें प्याज 20 क्विंटल का हमारे को आदेश आया कि 20 क्विंटल से ऊपर स्टॉक नहीं होना चाहिए और उससे ऊपर जो स्टॉक है हमने देख लिया नोट कर लिया है किस किस का स्टॉक है उससे ऊपर, तो उस पर हम नियमानुसार कार्रवाई करें। सर जैसे यहाँ के ट्री गार्ड विकार्ड भी सर ऐसे ही पड़े हैं।